खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का शुभारंभ शहर के बीच बहने वाली सीन नदी पर ओपनिंग सेरेमनी 3 लाख से ज्यादा दर्शक ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा। उद्घाटन समारोह से पहले सीन नदी के किनारे 6 किलोमीटर लंबी परेड का आयोजन। परेड बेड़े में लगभग 100 नावें शामिल। खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए उमड़े लोग। ओपनिंग सेरेमनी के मार्च पास्ट में भारत का सीवा नंबर। पीवी सिंधु और शरद कमल के कंधों पर भारतीय दल के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी। 11 अगस्त तक चलेंगे ओलंपिक मुकाबले। 200 से ज्यादा देश ले रहे हिस्सा। ओलंपिक में भारत के 117 एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। 16 खेलों में करेंगे भागीदारी। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ आज। शहीदों की याद में देशभर में दी गई श्रद्धांजलि। लद्दाख के द्रास पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कारगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, देश को विजय दिलाने वाले शूरवीरों को नमन। राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर कसा तंत्र। कहा, पाकिस्तान ने अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। पाकिस्तान ने इतिहास से सबक नहीं लिया। पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश। कहा, आतंकियों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लद्दाख या कश्मीर की विकास में आने वाली हर चुनौती को भारत परास्त करके रहेगा। लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये तो गनीमत है कि तीसरी बार भी मेरी सरकार बनी। कहीं वो आ जाते तो कारगिल विजय दिवस को याद भी ना करते। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, राजनीति नहीं राष्ट्र नीति के लिए काम करें। अग्निवीर योजना को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, अग्निवीर का लक्ष्य सेना को युवा बनाना है। सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। प्रधानमंत्री मोदी शिंकुला सुरंग परियोजना की दी उन्होंने सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे शिंकुला टनल प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। शिंकुला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग ले को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा निर्माण। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। शहीदों को किया सल्यूट। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कारगिल दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, सेना के त्याग की भावना पर हमें गर्व। तिरुवनंतपुरम में विजय दिवस के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर ने वीरों को किया नमन। कोलकाता में कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि दिवस का आयोजन। वीर शहीदों को किया गया नमन। कार्यक्रम में ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आरसी श्रीकांत हुए शामिल। वीरों की समाधि पर अर्पित किए पुष्प। कारगिल विजय दिवस पर मुंबई में शहीद स्मारक पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस।
शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने भी बारिश की हुई शहीदों को किया नमन, कारगिल विजय दिवस पर वीरों को दी श्रद्धांजलि। देहरादून में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कारगिल के शहीदों को किया नमन। सीएम पुष्कर सिंह भी देहरादून में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में हुए शामिल, वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर के पुलिस लाइन के वॉर मेमोरियल पर कारगिल के शहीदों को किया गया नमन, पूर्व सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री मोदी के अग्निपथ योजना के बयान को लेकर बोले शशि थरूर, कहा पेंशन का पैसा बचाने के लिए लाई गई अग्निवीर योजना, सत्ता में कांग्रेस आई तो खत्म होगी योजना। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, कहा जनता की मांग सेना को मजबूत करे, इस योजना में कमियां हैं, इन कमियों को दूर करें। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा पीएम को गंभीरता से लेनी चाहिए जिम्मेदारी, चार साल बाद सेवानिवृत्त होने वालों का भविष्य का क्या होगा। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद का बीजेपी परिवार, कहा देश की जनता पहले ही बता चुकी है लेकिन वो सुधार करने को तैयार नहीं, उनका भगवान ही मालिक। अग्निपथ योजना पर बीजेपी सांसद रविकिशन का आरोप, कहा विपक्ष तोड़ रहा है युवाओं का मनोबल, अपनी बिटिया की सेना की तैयारी का दिया उदाहरण। आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है, आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कारगिल युद्ध हमने अग्निवीरों के दम पर नहीं सक्षम सेना के दम पर जीता था, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीरों की सीमा पर तैनाती को बताया निर्दयता और क्रूरता। कहना चाहते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीर को सीमा पे खड़ा करना चीन और पाकिस्तान के सामने निर्दयता है, क्रूरता है और प्रधानमंत्री जी उसके दोषी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का विवादित बयान, स्वर्ग नर्क का किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों पर होगी चर्चा। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने नीति आयोग की बैठक का किया बहिष्कार, विपक्षी बहिष्कार के बावजूद झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक के सीएम समेत कई नेताओं के शामिल होने की खबर। कल होने वाली नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी, आम बजट में पक्षपात का लगाया आरोप। नीति आयोग की बैठक को लेकर बोली ममता बनर्जी, कहा बंगाल के साथ हो रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी, बंगाल को विभाजित करना चाहती है बीजेपी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता के आरोपों का किया समर्थन, कहा आम बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता दी गई, बंगाल का पैसा रोका गया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में गैर हाजिर रहे दोनों डिप्टी सीएम, अभी तक किसी भी समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए दोनों डिप्टी सीएम। सीएम योगी ने लोकसभा के नतीजों को लेकर एमएलए, एमएलसी और दूसरे जनप्रतिनिधियों के मन को टटोला, वाराणसी को छोड़ सभी मंडलों की समीक्षा बैठक पूरी कर चुके हैं सीएम योगी। दिल्ली पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। बीजेपी में खटपट के बीच दिल्ली में संघ की बैठक, वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव भी पहुंचे दिल्ली। यूपी में तनातनी के बीच बोले यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, सीएम बदलने की चर्चा नहीं, बदलाव जैसा कुछ नहीं। यूपी बीजेपी के घमासान पर एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव का तंज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बताया दिल्ली का मोहरा, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए मौर्य। एसपी चीफ अखिलेश यादव के तंज पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा कांग्रेस का सिर्फ मोहरा बनकर रह गए अखिलेश। बीजेपी में खींचतान को लेकर शिवपाल यादव ने ली चुटकी, कहा ऑफर अभी भी एसपी की तरफ से है, ये सरकार गिरेगी, इंतजार करिए।
बीजेपी सांसद राम गोपाल यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचारी जब सरकार होगी तभी तो आरोप लगाए जाते हैं अधिकारी पर, नीचे से ऊपर तक सिर्फ भ्रष्टाचार और कुछ नहीं। बीजेपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने 100 लाओ सरकार बनाओ का दिया ऑफर, कहा हमारा तो ऑफर सार्वजनिक ऑफर है बीजेपी से, जो लाए और सरकार बनाए। अमित शाह मानहानि केस में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी, मजिस्ट्रेट के सामने राहुल गांधी ने दर्ज कराया अपना बयान। राहुल गांधी ने आरोपों से किया इनकार, कहा छवि खराब करने की कोशिश की गई, 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दायर किया था मुकदमा राहुल पर गृहमंत्री शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुल्तानपुर दौरे के दौरान मूची रामचेत से की मुलाकात, रामचेत ने राहुल को जूतों की सिलाई करके दिखाया, सुनाई पर परेशानी। सुल्तानपुर में लोको पायलटों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, लोको पायलटों से राहुल ने की बातचीत। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और के कविता को झटका, 31 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। कावड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट पर जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोर्ट में यूपी सरकार की दलील, कावड़ियों की भावनाओं के चलते फैसला, 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। नेम प्लेट विवाद वाले मामले में मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, हलफनामा जवाबी हलफनामा जवाब के लिए धामी सरकार ने मांगा 2 हफ्ते का वक्त। एल्गार परिषद मामले में आरोपी सुरेंद्र गडलिंग और महेश राउत को नहीं मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। करप्शन मामले में दुमका विजिलेंस कोर्ट ने रानीश्वर बीडीओ शिवाजी भगत को सुनाई 4 साल की सश्रम कारावास, 1,20,000 का लगाया जुर्माना। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी का फाइनल रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ संशोधित परिणाम, इस रिजल्ट के आधार पर शुरू होगी काउंसलिंग। बीजेपी ने मदन राठौर को बनाया राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष, जयपुर के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जमकर फोड़े पटाखे। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है चुनाव प्रभारी। भुवनेश्वर में आम जनता के साथ विभिन्न संगठनों ने सीएम मोहन चरण मांझी से की मुलाकात, सीएम को राज्य के बजट के लिए दी बधाई। बंगाल के सीएम ममता ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात, उनके माता पिता के पांव छूकर लिया आशीर्वाद। गुजरात के नवसारी में बाढ़ का कहर, ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने, खतरे के निशान के ऊपर बह रही पूर्णा नदी। नवसारी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने में जुटी एनडीआरएफ की टीम। वडोदरा में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, दूर दूर तक दिख रहा बाढ़ का पानी, सड़कें क्षतिग्रस्त होने से यातायात प्रभावित। सूरत में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की तरफ से चलाया जा रहा सर्च अभियान, लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर चलाई जा रही मुहिम। बाढ़ बारिश के बीच दिल्ली के यमुना नदी में दिखा जहरीला सफेद झाग, जहरीले पानी में डुबकी लगाने पर मजबूर मवेशी।